हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मचमूर में। आपने हमारे ही वीडियोस में बारबेक्यू देखा होगा जहाँ पे हमने कोल वाला बारबेक्यू यूज़ किया है, लेकिन आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ इलेक्ट्रिक बारबेक्यू। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बारबेक्यू कितना इफेक्टिव है। मैं आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दिखाऊंगी और साथ ही में टुवर्ड्स दी एंड हम उस पर कुछ पकाएंगे भी। आपको डिटेल रेसिपी अगर इसकी चाहिए तो वो आपको टेरेस किचन पे जो मेरे टिक्के वाले रेसिपीज़ है उसमें आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है इलेक्ट्रिक बारबेक्यू का डब्बा। इसकी प्राइस है 1898। वैसे ये अमेज़ॉन पे काफ़ी अलग अलग सेलर्स से अवेलेबल है। अब मुझे ये नहीं पता कि सारे सेलर्स एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या ब्रांड्स भी अलग अलग हैं, बट आपको जो बेटर प्राइस लगे आप खरीद सकते हैं। मुझे लगता है मोर और लेस सारे सेलर्स सिमिलर टाइप का ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसकी साइज़ की बात करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। जो चारकोल बारबेक्यू होता है उसमें चारकोल को जलाने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होती है, तो उसमें जो कॉम्पैक्ट वाले भी होते हैं वो इतने फ्लैट नहीं होते हैं। आपने मेरे बारबेक्यू वाले व्लॉग में देखा होगा। ये छोटा सा मैनुअल है इसके साथ, अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। वैसे इसमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल चीज़ें हैं। ऊपर ये रैक है, ये देखिए डिटैचेबल है। इसके साथ ये प्लास्टिक के स्टैंड या कैप्स कह सकते हैं हम इन्हें, ये इस पूरे बारबेक्यू के आपके ग्राउंड लेवल पे यानी जहां आप इसे रखेंगे उससे एलिवेट करने के लिए दिए गए हैं। इसे असेंबल करना पड़ेगा, तो ये चार हैं और इनके साथ चार स्क्रूज भी दिए गए हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इन्हें कैसे लगाना है। और ये इसका प्लग है, 16 एम्पियर का ये प्लग है। देन नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉब वाला कंट्रोल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है इसका मैक्स, और नॉब घुमा के इसे ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये ट्रे, पर ट्रे निकालने से पहले ये कॉइल वाला सेटअप में निकाल के ट्रे आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए अभी फिलहाल तो ये एकदम चमचमाती मिरर जैसी नजर आ रही है, पर ट्रे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत ही पतली बहुत ही फ्लिम्सी है। पर वैसे भी ये क्रम ट्रे है, नीचे रहने वाली है, तो बस चल जाए इतना ही काफ़ी है। लेट्स सी, ये देख रहे हैं आप जहाँ पे ये मैंने ऊपर वाला रैक रखा है उसके चार कॉर्नर्स पर से पेंट थोड़ा थोड़ा निकल गया है। तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट का जो पेंट है मुझे लगता है कि मल्टीपल यूजेस में यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत निकल सकता है। नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया है कि बारबेक्यू जब हीट होते हैं तो उनके पेंट यहाँ वहाँ से निकल ही जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्लास्टिक कैप कैसे फिक्स करनी है। तो बस इसे रखना है, स्क्रू आपने बीच में रख के स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट करना है। ध्यान रहे कि बारबेक्यू को यूज़ करने से पहले आप ये लगा लें, क्योंकि ये आपकी जो भी टाइल्स है जो भी काउंटर है उस पर डायरेक्टली टच नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म हो जाएगा तो कहीं आपका काउंटर डैमेज ना हो जाए। ये देखिए अच्छे से फिक्स हो गए, और अब देखिए ये जो बारबेक्यू है मेरे काउंटर से काफ़ी ऊपर उठ गया है। अब मैं वापस से सारी चीज़ें अंदर रख रही हूँ। मैंने पनीर, आलू और चिकन, ये तीन चीज़ें अलग अलग मैंने बनाकर रखी है, इनका टिक्का बनेगा आज। तो पहले ये देखिए ये वेजिटेरियन वाली प्लेट है, पनीर टिक्का एंड आलू टिक्का। पहले मैं इसे रखूँगी बारबेक्यू पर। इसकी रेसिपी आप तक टेरेस किचन पे अगर आप मेरा पनीर टिक्का मसाला देखेंगे या फिर बटर चिकन में जो टिक्का बनाया है मैंने वो देखेंगे। सेम मैरिनेड मैंने यूज़ किया है। मैंने मेन वाला स्विच ऑन करके अब यहाँ पर नॉब को मैं रख रही हूँ नंबर 3 पे। एक चीज़ मेरे मन में थी तो मैं चेक कर रही हूँ कि क्या इसमें यहाँ वहाँ करंट आ रहा है, तो ये टेस्टर है तो बिल्कुल इसमें करंट नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में पहले करंट वगैरह चेक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये देखिए जस्ट मैंने रखा है, पहले मैं 3 की सेटिंग पे देख रही हूँ। जो नीचे ट्रे दी गई है मैंने इस तरह से रखा है कि ट्रे के राइट या लेफ्ट में कुछ नीचे गिर ना जाए। ये देखिए थोड़ी देर में ही इसमें से हल्का सा स्मोक, एकदम हल्का सा स्मोक उठने लग रहा है, और ये स्मोक ऐसा है जो बस मुंह में पानी ले आए, हाँ कहीं पर बारबेक्यू बन रहा है टाइप का ये स्मोक है, बहुत ही प्लेजेंट वाला स्मोक है ये। मैंने अब सेटिंग 4 पर कर दी क्योंकि मुझे लगा कि 3 से इतना हो नहीं रहा है, मतलब थोड़ा सा 4 किया जाए वो भी ठीक रहेगा। तो देखिए मैं फ्लिप कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। मैं इन्हें निकालने के बाद इनके ऊपर बटर और चाट मसाला स्प्रिंकल करने वाली हूँ।
तो ये वेजिटेरियन वाला प्लेटर तो रेडी हो गया, जिसमें है पनीर टिक्का और आलू टिक्का। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ चिकन टिक्का। सिमिलरली प्रॉन या फिर फिश टिक्का भी इस पर बनाया जा सकता है। मैं बस चिकन वाला रख के आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बनता है। तो मैंने लगभग 10 से 12 मिनट एक साइड पर रखा चिकन टिक्का को, और अब मैं फ्लिप कर रही हूँ। पनीर टिक्का मैंने कुछ टाइम के हिसाब से नहीं रखा, सिर्फ उसकी ब्राउनिंग हो जाए तो इस हिसाब से रखा है। आलू जो थे वो भी पके हुए ही थे, क्योंकि बारबेक्यू पर आप आलू कच्चे कभी मत रखिएगा। बाय द वे, अब ये मैं ठंडा करने के लिए छोड़ रही हूँ। ये गया चाट मसाला। ये चिकन टिक्का है, ये भी बहुत टेम्पटिंग है, और पनीर, मतलब मुझे सब पसंद है। पनीर और आलू स्पेशली आई के लिए है, क्योंकि आई वेजिटेरियन है और मैंने इसीलिए वो बारबेक्यू पर पहले रखा था। ऑनेस्टली मैंने इलेक्ट्रिक बारबेक्यू से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर यार ये तो एकदम अच्छा बन गया इतनी जल्दी बिना झंझट के, तो मेरे लिए तो एकदम थम्स अप है। भले ही इसकी प्लेट जो है स्टील की वो पतली हो, पर ओवरऑल बारबेक्यू बहुत ही मज़ेदार एकदम यमी यमी बन गया है। और ये जो जल गया है वो मुझे धोना पड़ेगा। बारबेक्यू पूरी तरह ठंडा हो गया है, ऊपर की रैक और नीचे वाली प्लेट यही तो सबसे ज़्यादा ख़राब हुए हैं, पर ये जो कॉइल है ना ज़्यादा ख़राब ही नहीं हुई है, तो मैं इसे सिर्फ पोंछने वाली हूँ। पर ट्रे और रैक को मैं भिगो कर रखूँगी, और ये जो एकदम नीचे वाला इसका हिस्सा है यहाँ पर भी थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं, तो मैं इन दोनों चीज़ों को गीले कपड़े से ही पोंछने वाली हूँ। ये देखिए मैंने पोंछ दिया है इसे, और जो ट्रे है इसे मैंने भिगोया था तो काफ़ी हद तक निकल गया था, बस थोड़ा सा मुझे घिसना पड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये दुबली पतली ट्रे भी सर्वाइव कर गई, ये अभी भी ज़िंदा है। ओके, और ये जो कॉइल है इसे बस पोंछ दिया, और सिमिलरली ये जो आप रैक देख रहे हैं इसे भी मैंने पानी में भिगो कर रखा था, और उसके बाद मैंने स्क्रब से इसे घिस के क्लीन कर दिया, तो आसानी से ये क्लीन हो गई है। तो क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बारबेक्यू ईजिली क्लीन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।